हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सुमन इमेजिनेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करें, वो भी स्नैपसेट एप्लीकेशन के अंदर। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, तो फटाफट से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस, इस फोटो को ही आज हम एडिटिंग करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं फेस में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट और दाग धब्बे हैं, इसको भी आज हम क्लीनिंग करेंगे, साथ ही साथ बैकग्राउंड ब्लर करेंगे, बैकग्राउंड का कलर करेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर पर जाके स्नैपसीड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और इसको ओपन करेंगे, और ऊपर ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके हमारा जो फोटो है उस फोटो को यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो जैसे सेट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि स्नैपसीड एप्लीकेशन के ऊपर फुल वीडियो लेके आओ, मतलब एक एप्लीकेशन में ही ए टू जेड हम एडिटिंग कैसे करेंगे। तो आज हम ओनली स्नैपसीड एप्लीकेशन के ऊपर फोटो को कैसे एडिटिंग करेंगे वो आज हम इस वीडियो पे दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम फोटो का ब्लैक स्पॉट जो है उसको हम गायब करेंगे, इसके लिए हम हीलिंग ब्रश का यूज़ करेंगे। तो सिंपली इस हीलिंग ब्रश को सिलेक्ट करना है, और इसके बाद फोटो को अच्छी तरह से जूम करके हमारा जो फेस है उसके ऊपर इस तरह से इस ब्रश को पेंट कर देना है। जैसे पेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो ब्लैक स्पॉट है वो एकदम गायब हो जाते हैं, और यहाँ पे गाइस आप टैप करके इजीली इसको गायब भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको टैप करके जाना है, तभी आपका जो फेस का ब्लैक स्पॉट है वो गायब हो जाते हैं। और हाँ गाइस, आज हम इस वीडियो पे फेस को कैसे स्मूथ करते हैं वो भी आज हम इस वीडियो पे दिखाएंगे, और फेस को कैसे कलर करेक्शन करते हैं वो भी इस वीडियो पे ही दिखाएंगे। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद और कोई भी एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप एक ही एप्लीकेशन से ही फुल फ़ोटो को एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब फ़ोटो का ए टू जेड एडिटिंग आप एक ही एप्लीकेशन से ही कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है एकदम लास्ट तक ध्यान से देखना होगा, तभी आपको जो है सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद गाइस हम फोटो का बैकग्राउंड का कलर करेक्शन करेंगे। तो सिंपली आपको जो है फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे सबसे पहले टून इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस आपको ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, इस सारे टूल्स को एक एक करके फोटो का हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। मतलब पहले हम यहाँ पे आपको फेस का कलर्स पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे सिर्फ हम बैकग्राउंड का कलर करेक्शन करेंगे, और बाद में इसको एडजस्ट करके फेस का कलर करेक्शन भी करेंगे। कलर करेक्शन करने के बाद गाइस आपको ऊपर की तरफ इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे टून इमेज पे क्लिक करके इस ब्रश वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद गाइस हम इस तरह से बैकग्राउंड के ऊपर पेंट करेंगे। तो जैसे पेंट करेंगे हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम कलरफुल होते जाएगा, और यहाँ पे गाइस आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो के ऊपर मतलब फेस के ऊपर इस ब्रश को यूज़ नहीं करना है, मतलब आपको फेस के ऊपर इस ब्रश को नहीं लेके जाना है। इस तरह से आपको सिर्फ बैकग्राउंड के ऊपर इसको पेंट करना है। तो हम यहाँ पे फटाफट से कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। और गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे इस वीडियो पे आज हम ए टू जेड फोटो एडिटिंग को दिखाएंगे, तो इसलिए हमारा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंगर बनेगा, लेकिन फिर भी आपको जो है वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना होगा। अगर आप लास्ट तक नहीं देखोगे तो आपको जो है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे गाइस, अगर आपको गलती से कई बार मिस्टेक हो जाते हैं तो इसके लिए फिर से आपको टून इमेज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इस ब्रश पे क्लिक करना है, और इसके बाद गाइस यहाँ पे आपको इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जीरो रखना है, और इस तरह से आपको पेंट कर देना है फेस के ऊपर, तो आपका जो फोटो है वो फिर से रिस्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम फिर से इसको रजिस्टर कर लिए हैं, इसके बाद राइट क्लिक कर देंगे और ऊपर एरो ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे गाइस हम फिर से टून इमेज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, सेचुरेशन को इंक्रीज करके इस बार हम फेस का कलर करेक्शन करेंगे। तो इस तरह से हम फटाफट से फेस का कलर करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप लोग जो काम लाइटरूम पे करते हैं वही काम आज हम इस वीडियो पे स्नैपसीड एप्लीकेशन में करके दिखाया। तो इसके बाद गाइस हम
फोटो को स्मूथ करेंगे तो सिंपली आपको स्मूथ करने के लिए फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे जाना है और नीचे आपको लेंस ब्लर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइज को जो है एकदम छोटा कर लेना है और इस तरह से गाइस आपको सारे के सारे ऑप्शन को एकदम माइनस कर देना है। सिर्फ यहाँ पे आपको ब्लर स्ट्रेंथ को इंक्रीज करके इतना रखना है और साइज को छोटा करके नीचे इस जगह पे आपको रखना है। इतना करने के बाद गाइस आपको नीचे राइट क्लिक कर देना है तो राइट क्लिक करने के बाद आपको ऊपर इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करके व्यू एडिट ऑप्शन पे क्लिक करना है और लेंस ब्लर पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा सेटिंग्स को एडजस्ट करना है तो यहाँ पे आपको जो नीचे यहाँ पे इस एरो ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसको इंक्रीज करके 100 रखना है। इसके बाद आपको जो है फेस के ऊपर इस तरह से ब्लर मतलब स्मूथ करोगे तो आपका जो फेस है वो एकदम स्मूथ होते जाएगा। तो आप देख सकते हैं हम कितनी अच्छी तरह से हमारा फेस को स्मूथ कर रहे हैं। और हाँ गाइस, हमारा वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गए हैं इसलिए यहाँ पे हम वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको ऑटोडिक्स रिलेटेड फेस स्मूथ के ऊपर वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी हम बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखें तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। फेस को स्मूथ करने के बाद गाइस हम फेस को थोड़ा सा गोरा करेंगे मतलब थोड़ा सा हम इसका ब्राइटनेस को इंक्रीज करेंगे। तो ब्राइटनेस को इंक्रीज करने के लिए गाइस आपको फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सिलेक्टिव टूल को सिलेक्ट कर लेना होगा। तो इस सिलेक्टिव टूल को हम सिलेक्ट करेंगे और फेस के ऊपर इसको हम इस पोजीशन पे रखेंगे और इस तरह से हम ब्राइटनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। और गाइस, आप इस सिलेक्टिव टूल से ही फेस का कलर करेक्शन भी कर सकते हैं। आप फेस को गोरा कर सकते हैं, फेस का थोड़ा सा अलग टोन भी डाल सकते हैं। इस सिलेक्टिव टूल से ही आप इस सारे के सारे काम कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद गाइस हम नीचे राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद हम फोटो का डिटेल्स को इंक्रीज करेंगे तो सिंपली हम टूल ऑप्शन पे क्लिक करके डिटेल्स ऑप्शन पे क्लिक करके स्ट्रक्चर और शार्पनिंग को इंक्रीज करके इसका डिटेल्स को इंक्रीज कर देंगे। तो इतना करने के बाद आपको नीचे राइट क्लिक कर देना है। तो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट फोटो को कितनी अच्छी तरह से एडिटिंग कर लिए हैं और फेस का जो स्मूथिंग है वो भी अच्छी तरह से कर लिए हैं। इसके बाद गाइस आप इस फोटो को सेव भी कर सकते हैं। अगर आप फोटो का बैकग्राउंड ब्लर या फिर फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो पहले फोटो को सेव करना होगा और सेव करने के बाद आपको फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गाइस यहाँ पे हीलिंग ब्रश का सिलेक्ट करना होगा और इस तरह से आपको जो है इस बैकग्राउंड के ऊपर से आपका जो फोटो है उसको आपको जो है इस तरह से इरेज कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं कैसे हम फोटो को इरेज कर रहे हैं। तो फटाफट से हम इसको इरेज कर लेते हैं और इरेज करने के बाद गाइस हम फिर से टूल्स ऑप्शन पे जाके लेंस ब्लर पे क्लिक करेंगे और इसका साइज को छोटा करेंगे और इसका जो ब्लर स्ट्रेंथ है उसको सिर्फ हम इंक्रीज करके इतना रखेंगे और इतना करने के बाद नीचे राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद फिर से टूल्स ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जाना है डबल एक्सपोजर पे और यहाँ पे आपको आप फोटो को सिलेक्ट करना होगा और इस तरह से आपका इस फोटो का जो सैचुरेशन है उसको भी आपको जो है इंक्रीज कर देना होगा। इतना करने के बाद नीचे राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद ऊपर एरो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और व्यू एडिट ऑप्शन पे क्लिक कर डबल एक्सपोजर पे क्लिक करेंगे और इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद गाइस आपको जाना है इस तरह से इस एरो ऑप्शन पे जीरो रखना है और इस तरह से आपको फोटो को अच्छी तरह से मतलब बैकग्राउंड को इस तरह से आप ब्लर भी कर सकते हैं और इस तरीके से ही गाइस आप कोई भी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम फटाफट से बैकग्राउंड को ब्लर कर लेते हैं। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको हेयर एडिटिंग करना है तो इसके लिए भी हम बहुत सारे सेपरेट वीडियो बना के रखें तो आपको ऊपर आई बटन पे वीडियो का लिंक मिल जाएगा तो इस वीडियो को देख के आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम फटाफट से बैकग्राउंड का ब्लर को कर लेते हैं क्योंकि हमारा वीडियो जो है ऑलमोस्ट बहुत बड़ा हो चुका है तो फटाफट से हम यहाँ पे कर लेते हैं। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देख ही रहे हो तो प्लीज़ यार एक लाइक कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी जल्दी से हमें 10K सब्सक्राइब कर दो। और हाँ गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट बात,
नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं वो हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जिसका ऊपर कमेंट ज़्यादा आएगा उस टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लेके आने के लिए ट्राई करेंगे। तो आपको जो है सिंपली वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर देना होगा कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हैं। तो गाइस आप फाइनली देख सकते हैं हम फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको हम ऑलमोस्ट बैकग्राउंड को ब्लर कर लिए हैं। इसके बाद गाइस हम फोटो को सेव करेंगे तो सिंपली नीचे राइट क्लिक कर देना होगा और ऊपर एरो ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसके बाद साइड पे इस एक्सपोर्ट ऑप्शन पे क्लिक करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करके फ़ोटो को हम सेव कर देंगे। तो इसके बाद गाइस आप देख सकते हैं हमारा फ़ोटो का बिफोर एंड आफ्टर। आई होप आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।